क्या आप भी अपनी स्किन को फेयर और ग्लोइंग बनाने के लिए मार्केट से महंगी महंगी क्रीम्स बाय करते हैं, फार्मूला क्रीम्स यूज़ करते हैं जिससे आपकी स्किन फेयर होने के बजाय और ज़्यादा ख़राब हो जाती है? तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी एक स्किन वाइटनिंग ग्लोइंग रेमेडी लेकर आई हूँ, जिसके सिर्फ एक बार के यूज़ करने से इंस्टेंट आपकी स्किन फेयर हो जाएगी, ग्लो करने लगेगी। और इतना अच्छा इस रेमेडी को यूज़ करने से आपकी स्किन को जो इफ़ेक्ट मिलेगा ना कि आप हैरान हो जाएंगे। इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बताऊंगी जिसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो जस्ट वीडियो वॉच नहीं करनी, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? होपफुली आप लोग विंटर्स इन्जॉय कर रहे होंगे, खुश होंगे। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, आज की वीडियो इतनी स्पेशल होने वाली है ना। आज हम यूज़ करने जा रहे हैं वैसलीन। वैसलीन हर घर में अवेलेबल होती है हर किसी के, बिकॉज़ विंटर में तो मस्ट होती है हर घर में। तो हाँ, इसी वैसलीन को हम यूज़ करते हुए सिर्फ इसमें एक और इन्ग्रीडियंट डालेंगे और हमारी आज की ये रेमेडी रेडी हो जाएगी। आपकी स्किन को इतना ज़्यादा ग्लोइंग कर देगी, इंस्टेंट वाइट कर देगी, आपकी स्किन को फेयर कर देगी। जी हाँ, आप लोगों ने लेना है 1 टेबलस्पून वैसलीन। और सेकंड जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है जी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भी हर घर में मौजूद होता है, नेचुरल इंग्रेडिएंट है, कोई इसमें बाहर की कोई केमिकल वाली चीज़ में इसमें ऐड नहीं करूँगी। जस्ट 1/2 टेबलस्पून आप लोगों ने इसमें ऐड कर लेना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपकी स्किन को ग्लो करता है। अगर आपकी स्किन डेड स्किन हो चुकी है, खासकर हमारी कोहनियों पर, फिंगर्स पे हमारी विंटर्स में ब्लैक हो जाती हैं, उसको ये फेयर करेगा। देन अगर कॉन्टीन्यूसली आप इसको लगाते रहेंगे ना तो आपकी स्किन इतनी खूबसूरत हो जाएगी ना, को मैनी पैडी की और की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देन इसमें ऐड करना है 1 या 2 जो भी आप ज़्यादा अगर बनाते हैं क्वान्टिटी आप अपने हिसाब से सेट कर लें। यहाँ पर ये इतनी सी 1 टेबल स्पून इसमें मैंने ग्लिसरीन डाली है, 1/2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा और 1 कैप्सूल मैंने वाइटनिंग कैप्सूल इसमें ऐड किया है। जी हाँ, वाइटनिंग कैप्सूल आपकी स्किन को और ज़्यादा फेयर करेगा, आपकी स्किन को ब्राइट करेगा, फेयर करेगा। देन इन तीनों चीज़ों को आपने कर लेना है अच्छे से मिक्स मिक्स मिक्स। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब आपने अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ऐसे जब मिक्स हो जाएगा बिल्कुल, तो आपने थोड़ी सी लेनी है, बट आप ध्यान रखें अगर आपकी स्किन पर, फेस पर एक्नी वगैरह है या बहुत ज़्यादा आपकी स्किन पर इन्फ्लेमेशन है कोई ज़्यादा, अगर आप लोग की सेंसिटिव स्किन है तो आप लोग ये फेस पे अप्लाई नहीं करें। जैसे आप हाथों पे यूज़ करें, पाँव पे यूज़ कर सकते हैं, कोहनी पे यूज़ कर सकते हैं, अपने नी पे इसको यूज़ कर सकते हैं। देन आपने इसको अप्लाई करना है और बिल्कुल हल्के हाथों से आपने अच्छे से स्क्रब करना है, बिकॉज इसमें बेकिंग सोडा ऐड है और ये जो फिंगर्स होती है ना ब्लैक हो जाती हैं, इसको ये फेयर करेगा। अगर आप कंटिन्यूसली यूज़ करते रहे तो आपकी फिंगर्स इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगी। जहाँ आप लोगों की स्किन डार्क है वहाँ पर ये अप्लाई करें और फिर देखें इसका मैजिक। इतनी ये मैजिकल रेमेडी है ना। वैसलीन तो आप वैसे भी यूज़ करते रहते हैं, बट इसमें एक ये बेकिंग सोडा मिलाकर आप देखना कि इसके इतने अमेजिंग रिजल्ट है कि आप मुझे दुआएं देंगे कि यार आप लोग आपने क्या बता दिए। इतना अमेजिंग ये रेमेडी है, आपकी स्किन को ये ग्लो करेगा, ब्राइट करेगा। आप स्किन पर भी देख सकते हैं कि एकदम जस्ट 1-2 मिनट से मैं इसको स्क्रब कर रही हूँ और आप ये देख सकते हैं कि मेरी स्किन कितनी ज़्यादा ग्लो कर रही है। स्किन पर जितने भी डार्क स्पॉट हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे कंटिन्यूसली यूज़ करने से। 1 मंथ के लिए आप इसको बना कर रख लें और फिर आप डेली बेस पे जब भी आप रात को अपने पे हाथ पे मसाज कर लें, जब आप फ्री हो आप इसको लें और अपने हाथ पे जहाँ जहाँ आपकी डार्क स्किन है, अपने पाँव पे हाथ, अगर आप लोग की एरिया भी फटी हुई है ना तो वहाँ पर भी आप ये अप्लाई करें ना, तो आपकी एरिया ऐसे हील अप हो जाएंगी कि जैसे लगेगा ही नहीं कि कभी ये फटी थी। बिकॉज विंटर में बहुत ज़्यादा ये इशू होता है कि आप लोगों की स्किन हाथ पाँव की बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। मॉइस्चराइज करने के साथ साथ आपकी स्किन को ये फेयर करेगी, ग्लो करेगी आपकी स्किन। इतनी अमेजिंग ये क्रीम, ऐसे बनाकर आप किसी भी जार में रख सकते हैं और डेली आप दिन में 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं और डेली भी 1 बार भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप फ्री टाइम में इसको अप्लाई करें अपने हाथ पे, पाँव पे, जहाँ जहाँ नेक पे, खासकर बैक जो नेक होती है वो ब्लैक होती है, आप उस पर अप्लाई करें। आप एक टाइम के यूज़ करने से, 1 बार के यूज़ करने से आपको इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। इंस्टेंट वाइटनिंग ये क्रीम बन के रेडी हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसको अप्लाई करने के बाद मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे रहता है आप लोगों के फीडबैक का वेट, तो फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिए।
लोग वीडियो तो देख लेते हो मगर सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि एक सब्सक्राइब से मुझे मिलती है आप लोगों की तरफ से मोटिवेशनल और मेरी फैमिली थोड़ी ज़्यादा ग्रो कर जाएगी। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप देख सकते हैं इसको 10 to 15 मिनट अपने हाथ पे इसको मसाज करें, देन आप लोगों ने हॉट वाटर से या नॉर्मल पानी से अपने हाथ वॉश कर लेने, बिकॉज इसमें वैसलीन ऐड है। अगर आप चाहें तो इसमें लेमन भी ऐड कर सकती हैं, जिन लोगों को लेमन से इरिटेशनल प्रॉब्लम हो जाती है बाद लोगों को, तो जिन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, जिन लोगों की नॉर्मल स्किन है सेंसिटिव स्किन वाले यूज़ ना करें लेमन भी ऐड करके, लेमन भी आपकी स्किन को फेयर करता है। देन ये देख सकते हैं आपने ऐसे वॉश कर लेना, वॉश मैंने नहीं किया, जस्ट स्पंज से मैंने क्लीन अप किया, और ये देख सकते हैं मेरी स्किन पर कैमरे में कितना ज़्यादा ग्लो आ रहा है मेरे हाथ पे। तो ये आप बनाएं, यूज़ करें, अभी जाएं बनाएं और यूज़ करें, और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की होम रेमेडीज, स्किन रेमेडीज, हेयर केयर रेमेडीज लेकर आती रहती हूँ, और आप तक नोटिफिकेशन मिलती जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।